हमारी चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, सुल्तान अजलान शाह कप आ रहा है, फिर उसके बाद हमारा एक सिक्स नेशन है। तो मैं कहूँगा ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, पर जो भी हमें अभी कैंप्स में टाइम मिलेगा, जो भी हमारे ये जो मैचेस हैं, हमें प्रॉपर कॉन्सनट्रेशन उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अभी हम ओलंपिक के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ओलंपिक में पहुँच के अपने आप को प्रिपेयर करें। बहुत अच्छे कोच हैं, और अगर आप उनकी हिस्ट्री देखो तो जब से उन्होंने हॉकी स्टार्ट की है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं कहूँगा कि अभी हमें वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और लड़के जितने भी एंजॉय कर रहे हैं, जो नए नए वो स्किल्स करवा रहे हैं। पर देखिए अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, अभी जो हॉकी इंडिया और जो भी सिलेक्टर जो डिसाइड करेंगे, मेरे ख्याल से अभी मैंने सुना कि वो जो सैफ गेम्स हो रही हैं उसमें हैं, तो उम्मीद करते हैं उनकी कम बैक जहाँ जो भी हॉकी इंडिया डिसाइड करेगी वो उनसे आप बात कर सकते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था दिल्ली टीम से, काफ़ी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी थी, फिर उसके बाद कोचिंग स्टाफ, फिर उसके बाद प्लेयर्स, और वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद मैं कहूँगा कि अभी जैसे आपने जेपी की बात की है, तो ओलंपिक से पहले बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि हमारी टीम में मोस्टली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया आपको पता वर्ल्ड नंबर वन है, फिर उसके बाद जो हमारे कोच हैं बैरी डांसर वो ऑस्ट्रेलियन है, कैप्टन है हमारे पास मार्क नॉल्स ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद काफ़ी कीज प्लेयर हैं, तो मैं कहूँगा कि एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है।